R9 टीवी की खबर पर मुहर लगी है उत्तर प्रदेश में, जहां पर एडीजी सुजीत पांडे लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए। R9 टीवी ने यह पहले दिखाया था कि अब कमिश्नरी सिस्टम शुरू हो रहा है। योगी सरकार ये फासला ले रही है। एडीजी आलोक सिंह बनाए गए नोएडा के पहले पुलिस कमिश्नर, आईजी नवीन अरोड़ा और नीलाब्जा चौधरी बने हैं ज्वाइंट कमिश्नर। इस खबर को R9 टीवी ने पहले ही से आपको दिखाया था, आप तक पहुंचाया था। हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, R9 की टीवी की खबर पर मोहर लगी और आज इन दोनों ही जगहों पर कमिश्नरी सिस्टम के साथ में आज कुछ इस किस्म का प्रावधान सामने आ चुका है, क्या कुछ दिशा निर्देश अब आगे हैं? देखिए, बिल्कुल R9 टीवी जो खबरें अब तक चला रहा था, जो समाचार हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, उस पर मुहर लगी है और पूरी तरीके से सत्य साबित हुई है हमारी खबर जो हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे। उत्तर प्रदेश के लिए कानून व्यवस्था को लेकर एक अहम बदलाव माना जाएगा, ये मील का पत्थर साबित होगा, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संदेश देते हुए आज कहा है कि 23 करोड़ की आबादी के लिए उन्हें जो कर्ता बनेगा वो करेंगे, जो जरूरत होगी कानून व्यवस्था में सुधार करने के लिए उस पर हम एक्शन लेंगे। तो इसी का नतीजा है कि कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग किए, उसके तुरंत बाद 5KD अपने आवास गए और वहां पर अधिकारियों के साथ वार्ता करने के बाद ये सूची जारी कर दी है और दोनों ही जिलों में पुलिस कमिश्नर की तैनाती कर दी गई है और तमाम अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं, अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। संदीप सूले अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं उत्तर प्रदेश बनाए गए हैं, असीम अरुण अपर पुलिस महानिदेशक यूपी डायल। नरेंद्र डीजीपी का यह कहना है कि कमिश्नरी सिस्टम की वजह से अब व्यवस्था में और सुधार आएगा, क्या कुछ नए प्रावधान भी देखने को मिल सकते हैं, किसी किस्म की कोई तब्दीली भी देखने को मिल सकती है? देखिए, पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था देश के कई प्रदेशों में लागू है, 100 से अधिक शहरों में लागू है, महानगरों में लागू है, जिसकी समीक्षा की गई है, वहां के रिजल्ट पर ध्यान दिया गया है और जो उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों दंगे हुए थे उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसी के चलते ये फैसला लिया गया कि उत्तर प्रदेश में भी पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू की जाएगी, इसी के चलते इसका निर्णय लिया गया है। निश्चित तौर पर आज जो सूची दी गई है उसमें 15 बिंदुओं पर बात की गई है, 15 अधिकारों का जिक्र किया गया है जो पुलिस कमिश्नर को प्राप्त होंगे और जो अलग अलग कैटेगरी में अधिकारी रखे जाएंगे उसका भी निर्णय लिया जा चुका है, सबकी सूची जारी की जा चुकी है। तो जहां पर एक SSP एक जिले में रहता था, अब 4 से 5 SSP होंगे, SP रैंक के अधिकारी होंगे और बड़े अधिकारी। चलिए नरेंद्र, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे कि योगी कैबिनेट में जिन प्रस्तावों पर चर्चा हुई, विमर्श हुआ, उन पर फैसला लिया गया और कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया गया है। जाहिर तौर पर व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए और कानून व्यवस्था और ज़्यादा मजबूती के साथ में, अमन शांति के साथ में समाज में एक ऐसा माहौल पैदा किया जा सके जिससे कहीं ना कहीं लोगों को एक बेहतर माहौल मिल सके और इन प्रणालियों के जरिए अंकुश लग सके अपराध पर, अंकुश लग सके।